गाइज, आप लोगों ने चैट जीपीटी तो सब लोगों ने सुना ही होगा, लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि चैट जीपीटी आखिर है क्या? ये दोस्तों एक एलएलएम है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। और यहीं पे दोस्तों एक न्यूज़ आई है रिलायंस से रिलेटेड, जहां पे एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट कल ही हुआ है। सेप्टेम्बर 8 को रिलायंस इंडस्ट्रीज और एनवीडिया ने मिलकर के यहाँ पे एक पार्टनरशिप करी है टू डेवलप एन इंडिजिनस फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल। यहाँ पे खुद का एलएलएम जो कि इंडियन डेटा पे ट्रेंड होगा बनाने के लिए एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप करी है रिलायंस ने और एनवीडिया ने। अब दोस्तों जिन लोगों को पता नहीं है उनको मैं बता देता हूँ कि एनवीडिया ग्लोबल प्लेयर है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, स्पेशली चिप डिजाइनिंग में और स्पेशली ग्राफिक्स को मैन्युफैक्चर करने में। और ये ही बनाते हैं जो आपको सबसे अच्छे अच्छे जीपीयूज, जीपीयूज क्या होते हैं दोस्तों, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, जो सबसे बड़े जीपीयू, जो सबसे अच्छे जीपीयू दुनिया में बनाता है वो एनवीडिया ही बनाता है। और आप लोगों ने कई बार, अगर आप एक एआई इंजीनियर हो या सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, तो जीपीयूज को यूज भी किया होगा। सो एनवीडिया ही जीपीयू बनाता है। और एनवीडिया ने यहां पे रिलायंस के साथ पार्टनरशिप करी है कि जो जेनरेटिव एआई आजकल इतना ज्यादा राइज पे है उसमें खुद के एलएलएम्स बनाए जाएं, क्योंकि अभी तक जो एलएलएम्स को जो लीड कर रहे हैं वो दोस्तों ओपन एआई का, चैट जीपीटी जो है वो ओपन एआई नाम की एक कंपनी है उसका है, और ओपन एआई में बहुत बड़ा स्टेक है माइक्रोसॉफ्ट का। सो इनडायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट का ही यहां पे दबदबा चल रहा है एज फार एज जेनरेटिव एआई एंड एलएलएम्स आर कंसर्न। उसके अलावा गूगल का भी यहां पे एलएलएम है खुद का, जिसे हम बार्ड कहते हैं, लेकिन वो एक डेमो में फेल हो गया था तो उसको इतनी ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिली जितनी ऑलरेडी चैट जीपीटी को मिल चुकी है। लेकिन यहां पे दोस्तों इन बड़ी कंपनीज के बीच में इतना बड़ा टाइप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को यहां पे दर्शाता है। और यहां पे आप देख सकते हो द टू कंपनीज विल वर्क टुगेदर टू बिल्ड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज ओवर एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मोर पावरफुल देन द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया टुडे। दोनों मिलकर के एक इतना बड़ा एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले हैं जो कि आज के हिसाब से जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है इंडिया में उससे भी ज्यादा पावरफुल होगा। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करें दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एनवीडिया की एक्सपर्टीज तो चिप्स बनाने में, जीपीयूज बनाने में है, तो उसका काम तो यहां पे रहेगा चिप्स को प्रोवाइड करना और एआई सुपर कंप्यूटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। एग्जीक्यूशन एंड इंप्लीमेंटेशन का काम जो है वो रिलायंस जियो का रहेगा, और रिलायंस जियो को आप लोगों को पता ही है दोस्तों, रिलायंस जियो के पास ऑलरेडी ये सारी एक्सपर्टीज है, और रिलायंस दोस्तों आगे आने वाली सारी टेक्नोलॉजीज में काम करना चाह रहा है। यहां पर जेनरेटिव एआई में भी रिलायंस ने अब कदम रख दिया है और ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी पे काम कर ही रहा है। जियो फाइनेंस की अलग से लिस्टिंग हो ही गई है, और जो आपका टेलीकॉम सेक्टर था उसको ऑलरेडी 7 साल पहले डिसरप्ट कर दिया था। सो ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ी न्यूज है मेरे अकॉर्डिंग, स्पेशली रिलायंस के बारे में हम बात करें, क्योंकि एनवीडिया तो यहां पे लिस्टेड है नहीं, ये तो यूएस में ही लिस्टेड है, लेकिन अगर हम इंडियन मार्केट्स के बारे में बात करें तो रिलायंस के लिए ये एक बहुत बड़ी न्यूज है। और अगर हम बात करें रिलायंस के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो आप देख सकते हो दोस्तों पिछले 1 साल में -5% के रिटर्न दिए हैं, पिछले 2 सालों में सिर्फ 0.7% के रिटर्न दिए हैं, पिछले 3 सालों में सिर्फ 16% के रिटर्न दिए हैं, पिछले 5 सालों में 93% के रिटर्न दिए हैं। देखिए दोस्तों, रिलायंस के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो इनकी एम्बिशन होती हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म की और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो उनमें रिटर्न्स जो हैं वो इतनी जल्दी नहीं आते हैं, उनमें जो प्रोग्रेस है वो बहुत ही स्लो होती है, लेकिन एक बार जब चीज बन जाती है तब जाकर के एक बार में ही आप लोगों को सारे के सारे रिटर्न्स मिल जाते हैं। स्पेशली रिलायंस में तो आप देखोगे ज्यादातर जो रिटर्न्स आते हैं वो जब भी आते हैं जब बहुत बड़ी बड़ी डील्स होते हैं, उसके बाद स्टॉक ठंडा हो जाता है, फिर कोई डील होती है फिर भाग जाता है स्टॉक, फिर ठंडा हो जाता है। 2020 में भी आपने देखा होगा, उससे पहले रिलायंस बिल्कुल भी नहीं चला करता था, लेकिन 2020 में गूगल के साथ डील हुई, फेसबुक के साथ डील हुई, और जब जब डील होती थी रिलायंस तब तक भागता था और उसके बाद बिल्कुल ठंडा हो जाता था। इसीलिए रिलायंस के पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस, 2 साल की परफॉर्मेंस, ये सब नहीं देखनी है दोस्तों, आपको देखना है लॉन्ग टर्म में, 5 साल, 10 साल, 15 साल में आप देखिए, जब ये जेनरेटिव एआई वाला पार्ट जो है ये भी बहुत बड़ा हो जाएगा, जब ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी वाला पार्ट है वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा, जब रिलायंस जियो की अलग से लिस्टिंग हो जाएगी, जब रिलायंस रिटेल की अलग से लिस्टिंग हो जाएगी, तब आप सोचिए कि ये जो रिलायंस है ये कहां खड़ा होगा। इसमें हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म पिक्चर देखनी चाहिए, और आगे आने वाली सारी टेक्नोलॉजीज में रिलायंस अपना हाथ जरूर बढ़ाना चाह रहा है, अपने कदम गढ़ाना चाह रहा है। अगर दोस्तों रिलायंस को हम चार्ट पे नजर डालें तो आप देख सकते हो कि जब से जियो फाइनेंस इससे डीमर्ज हुआ है स्टॉक थोड़ा सा स्लगिश ही चल रहा है, लेकिन दोस्तों इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी पहले एक जीटीटी लगाया था वो हिट हो गया था, लेकिन अभी जिस तरीके से इसमें न्यू डेवलपमेंट्स आ रहे हैं, न्यू अपडेट्स आ रही हैं, ये स्टॉक और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। मैं इसमें थोड़ी सी गिरावट का वेट करूंगा, 2400 से नीचे आना स्टार्ट हो जाए एक बार, मैं इसमें धीरे धीरे बाइंग करने की कोशिश करूंगा। एग्जैक्टली किस प्राइस पर करूंगा, किस प्राइस पर नहीं करूंगा, इसके बारे में तो मैं अभी इतना श्योर नहीं हूं, लेकिन 2400 के बाद उसके नीचे मैं इसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा। बाकी आपको बाइंग तभी करनी चाहिए जब आपका मन करे, जब आपका रिस्क एपेटाइट कहे, किसी के कहने पे कोई बाइंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों रिलायंस के जिस तरीके से प्लान्स हैं फ्यूचर को लेकर के, रिलायंस जो है काफी
काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और यहाँ पे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो शायद मिस होने पे हम रिग्रेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये अपडेट पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके की वीडियोज मिस नहीं करना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये सारे वीडियोज चेकआउट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।